फंबल हो गया, तो मुझे डर नहीं है पुलिस वालों से। Hello guys, welcome to the new vlog. और मम्मी अभी मेरे बहुत ज्यादा गुस्से में है। क्यों? मैंने ना प्रैंक किया अभी स्मोकिंग वाला, नहीं देखा तो जाके देख लेना, मैंने शायद कल अपलोड किया होगा तो जाके चेक कर लेना। कहा गई मम्मी, कहा गई? और उधर बारिश भाई को मैंने फंसा दिया। एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा। अच्छा रहा? पर डर लगा नहीं? डर लगा। एनीवेज मैं खाना खाने बैठा हूँ, बैंगन का भरता। और ये कौन सी सब्जी है? ये दूसरा क्या है मम्मी? मूले की भाजी मेरे को नहीं खानी। और मूला के सलाद भी दिया, बोलो इतना सारा मूली मूली का है। वो देखो नो स्मोकिंग का, बोलो स्मोकिंग का प्रैंक किया था ना, उसके लिए वो लाइटर पड़ा है वहां पे। इसको रखो वरना है ना लोगों को लगे पता नहीं क्या क्या, क्या फूकते रहते हैं कि इधर सारा इधर उधर घूमते रहता है सिगरेट। एनीवेज बैंगन, अरे नहीं खाना मेरे को, अच्छा लगेगा भरते के साथ। मैं ये नहीं खाऊंगा, ले ले इसको। टेस्ट ठीक है, मतलब क्योंकि मेरे को वो बैंगन का भरता, मेरे को बैंगन का भरता पसंद है, इसलिए मुझे दूसरा नहीं खाना है। हाँ ठीक है, चलो यार रोटला से शुरू करते। मम्मी बोल रही है तो यार बैंगन का भरता है ना गजब लगता है, उसमें खास करके रोटले के साथ तो और ही ऑसम। वाह कितने टाइम के बाद मम्मी साथ बैठी है खाने के लिए। हाँ मम्मी बैठती है सेम टाइम पर वहाँ पर बैठती है पहले पहले। और मम्मी बोल भी कैसे रहे थे, तेरे तो सामने बैठना पड़ेगा सामने। और मम्मी क्योंकि मैंने प्रैंक किया तब से मम्मी है ना सच में डाउट कर रही है, बोले कैसे धुएं निकल रहे थे मुंह में से, तो पक्का पीता होगा। गाइस मम्मी को समझाओ ऐसे नहीं पीते सिगरेट। तो ऐसे पी नहीं सकता, और पीता होता तो मैं बता नहीं देता, मेरे को काहे का डर। डरना जरूरी है, मैं डरता नहीं ना, अगर मैं कुछ कर रहा हूँ तो मैं बोल देता हूँ, नहीं कर रहा हूँ तो नहीं करता हूँ, सिंपल है। चलो खा लेते हैं। वैसे भी मुझे है ना मम्मी के सामने बैठे ऐसे ऑपोजिट साइड में बैठ के खाने में ना वो केबीसी वाली फीलिंग आ रही है। ऑप्शन एक बाजरे का रोटला, ऑप्शन दो बैंगन का भरता, ऑप्शन तीन मूले की भाजी, ऑप्शन चार रोटी। सही सिलेक्ट करने दाल चावल। आप एक सिलेक्ट कर ही नहीं सकते, दो का कॉम्बिनेशन लेना ही पड़ेगा। गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग हो चुकी है एंड मैं ब्रेकफास्ट करने बैठी हूँ। मेथी का पराठे है और चाय। मैंने चेंज कर लिया और मैं जा रही हूँ मॉम के साथ बाहर। मॉम को क्लिनिक जाना है एक्चुअली रेगुलर चेकअप के लिए। Much later. So, मैं घर पे आ गई, मॉम को क्लिनिक में विजिट करा। क्लिनिक में जा रही थी, मैंने ज्यादा कुछ वीडियो नहीं किया, बट मॉम को दवाइयाँ दी एक महीने के लिए, बोला है 1 month के बाद वापस विजिट करवाना है। तो यस मैं घर पे आ गई, मैं चेंज कर लिया और अब मैं करने वाली वर्कआउट। मैं एवरी डे ट्राई करती हूँ कि एवरी डे मैं वर्कआउट करूँ, यहाँ होती तो ट्राई करती ही मतलब हो ही जाता है, अहमदाबाद होती तो थोड़ा मुश्किल होता है, जो मुझे अभी सुधारना है। तो यस अब करेंगे हम, यानी मैं वर्कआउट करूंगी आधा घंटा जितना एंड या और फिर देखेंगे लंच वंच का। मुझे मॉम का फोन आ रहा है। हाँ मम्मी। हाय राम, मेरे मॉम ने फोन काट दिया। वर्कआउट कर लिया, कपड़े चेंज कर लिया और अब मैं पहले पी रही हूँ छाछ और फिर मैं करूंगी मेरा लंच। अरे यार पता नहीं क्या गड़बड़ हो गई, मैंने मस्त मम्मी में प्रैंक वैंक कर लिया था और मम्मी बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी। अभी मैं एडिटिंग करने बैठा हूँ उसकी, पर देखो टाइम हो चुका है 2:27। 3 बजे जनरली मैं लाइव करता हूँ मेन चैनल पे वीडियो, लेकिन पता नहीं क्या हुआ मैं खाना वाना खा के ऊपर बेड पे लेटा और क्या खतरनाक वाली नींद आ गई कि मैं सीधा उठा ही 2:15 को, फटाफट एडिट करने बैठना पड़ेगा ताकि वीडियो एग्जैक्टली टाइम पे तो शायद 3 बजे ना आ जाए, पर एटलीस्ट उसके आसपास कहीं 3 की जगह 3:30 तक मैं डाल दूँ तो ज्यादा बेटर रहेगा। एडिट कर लेता बाकी करते हैं। सो गाइस ये सारे मेरे कपड़े हैं ठंड के, ठंड आ गई है इसके लिए ऊपर से सारे कपड़े नीचे उतारे गए हैं। अब इसको धूप दिखाया जाएगा, धोने वाले कपड़े धोए जाएंगे और फिर अब रोज रोज पहने स्वेटर पहनेंगे। विंटर मेरी सबसे फेवरेट सीजन में से एक है, आपकी कौन सी फेवरेट है ना आप मुझे कमेंट में बताना। मुझे बहुत ज्यादा पसंद है विंटर में घूमना खाना पीना एंड मस्त मस्त स्वेटर पहन के ड्रेसअप होना। तो अभी जोमेटो वाले भैया मेरे को ये देखेगा क्योंकि ऑर्डर किया था। चलो खा लेते हैं। ओ भाई मस्त मस्त पनीर टिका विद ग्रीन चटनी। कितने लोगों को पनीर टिका मतलब इतना ज्यादा पनीर पसंद है, मेरे को पसंद नहीं है, मैं तो सिर्फ वो प्रोटीन के चक्कर में खा रहा हूँ।
सो बहुत सारा गर्म कपड़ों का तामझाम था, वो सारी चीजें खत्म की। मॉम के ड्रॉवर में मॉम के कपड़े रख दिए, दिव्यांग के ड्रॉवर में दिव्यांग के कपड़े रख दिए, पापा के ड्रॉवर में पापा के कपड़े, और मेरे पास जगह नहीं है इसके लिए मैंने मेरी बैग में ही रख के बैग ऊपर लेकर आई हूँ। अभी जस्ट फ्रेश हुई हूँ, अब मैं जा रही हूँ नीचे चाय बनाने के लिए। नहा करके फ्रेश होके कितना अच्छा लग रहा है, मेरी स्किन काफी अच्छा रिएक्ट कर रही है। सो मैं नीचे आई, मैं चाय बना रही, बट मॉम कर रही है पूजा, तो मैं यहाँ बैठी हूँ, पूजा हो जाएगी उसके बाद हम बनाएंगे चाय। तब तक मैं ऐसा देख रही हूँ कॉफी विद करण का नया एपिसोड आया होगा, लेट्स सी इंटरेस्टिंग है नहीं यार। किस किस को लग रहा है कि कॉफी विद करण के एपिसोड बहुत ही ज्यादा लाइक एंटरटेनमेंट के नाम में बहुत डाउन जा रहा है, जो आज तक की सीजन थी उससे भी ज्यादा। मैं ऐसा टाइम पास के लिए देख लेती हूँ, मुझे इतना वो एंटरटेनमेंट नहीं लग रहा जितना बाकी सारे एपिसोड्स में यार सीजन्स में था। वाह, मुझे ऐसा लगा वेनसडे को आता है, बट एवरी थर्सडे को आता है, यानी कल आने वाला है रानी मुखर्जी एंड काजोल वाला। लेट्स सी, प्रमोट से तो लग रहा था कि काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। सूटी बन गई है और ठंड के मौसम में चाय पीने का जो मजा है ना, वो भी अदरक वाली, कितनी मस्त बनी यार। अंकिता क्या चाय बनाती है तू? और ये है खिचड़ी, ये है सुबह वाला थेपला, ये मेरा सबसे फेवरेट है, ये है खमण, और ये है रायता, और ये वाला है ना स्पाइसी वाले खमण है, जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। तिखा तिखा मस्त है मम्मी खिचड़ी, खिचड़ी तेरे मेरा फेवरेट। खिचड़ी का तो कोई स्वाद नहीं होता है, फिर भी मुझे अच्छा लगता है। हाँ वो खिली खिली बनी है, इसके लिए अच्छा लगता है। पर कितनी मस्ती, दूसरे मैंने देखा बाबू भैया भाई 2 करोड़ देखे बिग बॉस से निकलने के लिए तैयार है। भाई मैं सोच रहा हूँ इतनी देर में तो मैं जेल में रह लूँ, कितने लोगों की मदद हो जाएगी। अरे यार फंबल हो गया। पर कितनी मस्ती, दूसरी तरफ मैंने देखा बिग बॉस से निकलने के लिए बाबू भैया 2 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार है। भाई इतने में तो मैं जेल में रहने के लिए तैयार हूँ। आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, नीचे क्लिक करके पूरा ब्लॉग देख लेना। आई थिंक हो गया, थोड़ा सा वापस कर लेते, अभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा है। वैसे मिनी ब्लॉग एडिट करो जिन लोगों को ना पता चलाओ। पर कितनी मस्ती, दूसरी तरफ मैंने देखा बाबू भैया भाई 2 करोड़ देखे बिग बॉस से निकलने के लिए तैयार है। भाई इतने में तो मैं जेल में रहने के लिए तैयार हूँ, कितने लोगों की मदद हो जाएगी। आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, नीचे क्लिक करके पूरा ब्लॉग देख लेना। यस दिस वॉज गुड, दिस वॉज वेरी वेरी गुड, डन। मेरी ब्लॉग हो चुका है, इसको बस म्यूजिक व्यूजिक लगा के एक्सपोर्ट करके अपलोड कर देते हैं। वैसे भी अभी 6:10 हो रही, 8:15 को जाएगा लाइव, तो आज का काम हो चुका है डन। बस रात को बैठ के कल के ब्लॉग की एडिटिंग करेंगे, जो कि मैं अभी शूट कर रहा हूँ। दिव्यांग घर पे आ गया था जल्दी, तो उसे बोला चलो ड्राइव पे चलते हैं। नहीं आया 10 बजे आया, जल्दी आने रेगुलर है तू, 12:30, 12, 1 बजे आता है, उससे तो जल्दी ही आया ना। दिव्यांग झूठ नहीं बोल रहे, मैं सच बोल रही हूँ। बाकी छोटी बच्चे है, मुझे तो डर आया। भाई तो मेरे पापा खुद पुलिस में था, तो मुझे डर नहीं है पुलिस वालों से। यही है पुलिस वालों के लोग रोप चाड़ना बंद करो। तो तू कोई और है क्या? हाँ तो फिर दिव्यांग ने बोला चलो अपने ड्राइव पे चलते हैं, तो मैं फटाफट चेंज कर लिया, मेकअप वेकअप तो नहीं किया है, बट हाँ बाल खोल दिया है, और मम्मी भी पीछे बैठी हुई है, और हम लोग ऐसे ही जा रहे हैं ड्राइव पे। तो यार कितनी सारी शादी हो रही है दिव्यांग साला, हमने तो कोई बुला ही नहीं रहा शादी में। मैं यार ये दोनों बात करते हैं यार, इतने करोड़ शादी हो रही है, इतने लाखों शादी हो रही है, उसमें से एक बंदा नहीं है जिसने हमको इन्वाइट किया, और हम शादी अटेंड करे तैयार हुए, अच्छा अच्छा खाए, फोटो पोस्ट करे, गेट रेडी विथ मी फॉर अ वेडिंग ऐसा वीडियो बनाओ। ये दोनों को देखो, हेलो क्या हाल है? अरे बस 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 बस, पूरे दिन में अभी मिला हूँ तो सब मस्ती में लगे हुए हैं। बोलफे नो, चल बस बस सेट नो, अरे बहुत ज्यादा मस्ती कर रहे भाई, सेट सेट चलो सेट 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 गुड बॉय, नो नहीं जाने वाला है। ओ भाई इनका नाखून लग गया मेरे को, बहुत गंदी तरह से। बस 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 चलो 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 बस 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 बस, गाइस मैं इनको संभाल लेता, थोड़ी देर खेल लेता इनके साथ। क्या क्या कहाँ जा रहा है ये, क्या कहाँ जा रहा है भाई? बस सेट बोल फिर, सेट सेट स्टे स्टे, फाइनली शांत हुए लोग। सेकेंड गुड बॉय, सेट सेट डाउन गुड बॉय। सो क्या सीधा
बाप रे, दोनों ने क्या धमाल मचा के रखी हुई थी। तो हम लोग है ना यहाँ पे आइसक्रीम खाने आए हैं, यहाँ पे नहीं खुला गेट अवे जो शार्क टैंक में थी फेमस, तो उसकी आइसक्रीम से हमने खाया था ना, कैसा है बता। सो गाइस हम आ गए घर पे। तुझे ऑनेस्ट रिव्यू बता, गेटवे की आइसक्रीम कैसी लगी? बकवास, नॉट वर्थ ही। जितना जो पैसे दिए थे वो उसके बिल्कुल भी वर्थ ही नहीं थी। फिर इसलिए लास्ट में मुझे बास्किन रॉबिन्स जाना पड़ा, वहां से मेरे को मेरा सॉर्बेट खाना पड़ा, तब जाके ऐसा लगा कि मैंने कुछ खाया है। और दियंग को तो वो भी नहीं पसंद आया, बट हाँ मेरा तो फेवरेट है गाइस। तो अभी जस्ट मैं घर पे आई हूँ बैक, एंड अब पी रही हूँ मैं मेरी टी, ग्रीन टी, एंड देन फिर ऊपर जाएगी और सोने की तैयारी करेंगे। मतलब ऊपर जाएगी, कपड़े चेंज करेंगे, ऊपर जाएगी कपड़े चेंज करेंगे, फ्रेश हो गए, प्रेयर करेगा, फिर सो जाएंगे। तो गुड नाइट गाइज, एंड आप लोग देख रहे हो मॉर्निंग में, तो गुड मॉर्निंग गाइज, एंड वीडियो को लाइक करना, कॉमेंट करना और जरूर से शेयर करना। जय माता दी।